बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, मज़मून इस्लामियात, अनवान हम कौन हैं और सबक नंबर 9। सबक नंबर 9, पेज ऑन 35। ओपन योर बुक्स क्लास फिफ्थ, पेज ऑन 35। पेज ऑन 35, ठीक है, ये ओपन करें। इसमें से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों ने अपनी थिंक से करना था कि क्या आप कुछ और सबूत दे सकते हैं ताकि ये साबित हो सके कि इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक नहीं, वो भी आपने अपने वर्डिंग में। चूँकि देखिए स्टूडेंट, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आप लोग अपने थिंक से लिख सकते हो, ठीक है। टीचर आपको हर चीज़ लिख के आके दे सकती है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जब आप लोग अपनी वर्डिंग में कोई क्वेश्चन लिख लो और फिर आके आपका वही क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, वही आप किसी बगैर में बड़े से चेक करा लें, तो आपको अगर वो कहे कि ये आपने ठीक लिखा है तो खुशी किसकी होगी, आपकी ही होगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका हुआ था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के इंसानों और जानवरों के बच्चों में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन भी कर लिया था। हालांकि इस लेक्चर में आपका कि हम कौन हैं इंसान के बारे में था, दोबारा आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि इंसान के बारे में था कि इंसान का इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। जानवरों और इंसान में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बड़ी बात कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात यानी अक्ल भी दी है, हालांकि जानवरों के साथ अक्ल नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि एक ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है यहाँ पे हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे एक अजनबी की तरह, ये दुनिया जो है ये अजनबी की तरह हम गुजारेंगे और इसके साथ हम दिल नहीं लगाएंगे, ये जो है ये ख़त्म होने वाली चीज़ है, ठीक है क्लास फिफ्थ। तो आज आपका क्वेश्चन है कि घर और होटल में रहने में क्या फ़र्क है, घर और होटल में रहने में क्या फ़र्क है। आपको ये पता है कि घर क्या चीज़ है, घर तो हमारा मुस्तकिल ही है, वहाँ पे अगर हम कहीं पे भी जाए, नानी के घर जाए, दादा के घर जाए, मामू के घर जाए, दो तीन दिन गुजारने के बाद 5 दिन गुजारने के बाद हम कहाँ आते हैं, हम अपने घर में आता है। घर में एक इंसान का क्या होता है, सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हमारे घर में भी, हमें जितनी भी सहूलतें हैं वो घर में ही मिलती हैं। हर बंदे का मतलब हर इंसान का इस दुनिया में जो है हर का बंदे का एक अलग घर होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके फैमिली होती है, उनके उसी घर में रहते हैं घर का, और फिर उसके बाद उसका जो होटल और या गेस्ट रूम जो भी है, आप किसी जगह पे जो होटल में जो 2-3 दिन के लिए आप रह सकते हो, लेकिन हमारे जहन में यही होता है कि हम इधर से वापस जाएंगे। तो अगर आप इधर थोड़ी माइंड से सोचे, जहन से सोचे कि एक गेस्ट रूम जो है वो दुनिया के मुशाबे है, यहाँ पे भी जो है गेस्ट रूम या होटल जाके ना हम कितने कुछ ही दिन कुछ ही घंटे गुजार के फिर वापस आते हैं, कहाँ पे आते हैं, अपने घर। तो ये दुनिया जो है ना ये भी गेस्ट रूम की तरह ही है, यहाँ पे कुछ मुद्दत के लिए हम आए हैं और यहाँ से हमें दोबारा ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हम अच्छे अमाल करेंगे, लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करेंगे, तब हमारी ज़िंदगी क्या होगी, एक खुशहाल ज़िंदगी हम बसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि घर और होटल में रहने में क्या फ़र्क है। घर वो होता है जहाँ हम मुस्तकिल रहते हैं, और गेस्ट रूम या होटल में कुछ मदद के लिए ठहरते हैं। दोबारा सुनिए, घर वो होता है जहाँ हम मुस्तकिल रहते हैं और होटल या गेस्ट रूम में कुछ मदद के लिए ठहरते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दुनिया में मौजूद जानदार एशिया की फहरिस्त बनाएं। आप खुद सोचें क्लास 4th 5th की क्लास 5th की क्लास, दुनिया में कितनी जानदार चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने कितने का लिखना है, आपने जस्ट 15 जानदारों की
एशिया की फहरिस्त बनाई है। उस फहरिस्त का क्या मतलब है कि अब एक चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, ठीक है, वो घोंसला बनाती हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद एनिमल्स में से आप बकरी, गोट का, बकरी का बताएं कि बकरी क्या खाती हैं, ठीक है, इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख ले। फिर उसके बाद आपका गाय के बारे में लिख ले, भैंस के बारे में लिख ले, जिस तरह बर्ड्स हैं बर्ड्स के बारे में लिख ले। दुनिया में मौजूदा जानदार एशिया की पेरिस बनाएं, ठीक है, 15 जानदार चीज़ों के आपने क्या करना है, उसकी पेरिस बनाएं। फिर दुनिया इर्द गिर्द देखें कि दुनिया में मौजूदा जानदार एशिया क्या क्या है। जब आप थिंक करोगे आपको सारा कुछ बिल्कुल सामने सारी चीज़ें नज़र आएगी। तो ये क्या करना है, इसी क्वेश्चन ने आप, इसी क्वेश्चन को आपने अपने वर्डिंग में लिखने हैं, ठीक है, सही। और इसके बारे में सोचिए कि जानदार क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उसकी सारे के सारा आप लोगों ने लिखना है। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।